गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, उस कंट्री का नाम है ग्रीस। ऑफिशियली द हेलेनिक रिपब्लिक इज अ कंट्री इन साउथ ईस्ट यूरोप। क्लोजेस्ट कंट्री पे आते तो अल्बेनिया, बुल्गेरिया, टर्की इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है ग्रीस की। अभी हम आते हैं इसके पॉपुलेशन पे, तो 1 करोड़ अबव पॉपुलेशन है ग्रीस का। अभी हम आते हैं इसके कैपिटल पे, तो ग्रीस का कैपिटल है एथेंस, लार्जेस्ट सिटी भी एथेंस है। अभी हम आते हैं इसके ऑफिशियल लैंग्वेज पे, तो ग्रीस की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है ग्रीक। रिलीजन पे आते हैं तो 93% क्रिश्चियनिटी, 2% इस्लाम, 5% हिंदू। बाद में करेंसी पे आते हैं तो यूरो चलती है, आप सभी को पता होगा, और वहाँ का 1 यूरो इंडियन करेंसी में होते हैं 89 INR। वीज़ा ऑब्वियसली वीज़ा रिक्वायर्ड है, शेंगन वीज़ा लगता है, टूरिस्ट और बिजनेस, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम 10 to 15 days, स्टे पीरियड अप टू 90 days, वैलिडिटी 6 months, एंट्री सिंगल और मल्टीपल, फीस है 7,699। और ये दोनों सिमिलर है टूरिस्ट वीज़ा के लिए और बिजनेस वीज़ा के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम आते हैं इसके ड्राइविंग साइड पे, तो ड्राइविंग साइड है रेड, कॉलिंग कोड है +30। अभी हम आते हैं इसके मिनिमम एवरेज एंड हाई सैलरी पे, तो मिनिमम जो सैलरी है वो है 700 to 800 यूरो, तो इंडियन करेंसी में होते हैं लगभग 60,000 to 70,000। एवरेज पे है तो 1,500 to 1,800, इंडियन करेंसी में होते हैं 1,00,000 to 1,60,000। हाई है 5,000 to 7,000 यूरो, तो इंडियन करेंसी में लगभग होते हैं 5 लाख अबव 5 लाख, आप पकड़ सकते हो, ठीक है। इतना तो मिल ही जाएगा क्योंकि यूरो चलता है और बड़ी कंट्री है, तो एवरेज सैलरी और मिनिमम सैलरी भी हाई ही रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम आते हैं इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से हम जाते हैं वहाँ पे, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जानना ज़रूरी है। जो भी मैं कहूँगा बताऊँगा आपको वो यूरो में, ठीक है। तो मिल्क 1 लीटर 2 यूरो, राइस 1 kg 2 यूरो 50 सेंट्स, एग है 12 पीस 4 यूरो, चिकन है 1 kg 9 यूरो, एप्पल है 1 kg 1.79 यूरो, टमाटो है 1 kg 2 यूरो, पोटैटो है 1 kg 1.50 सेंट्स, ऑनियन है 1 kg 1 यूरो 15 सेंट्स, वाटर है 1.5 लीटर 0.78 सेंट्स। अपार्टमेंट पे आते तो 1 बेडरूम इन सिटी 500, आउटसाइड सिटी 400, 3 बेडरूम इन सिटी 800, आउटसाइड सिटी 700। अभी मतलब इसके रूट पे, तो एयरलाइंस से इंडिगो एयरलाइंस, और जो इसका रूट बनता है वो है मुंबई दिल्ली से इस्तानबुल, इस्तानबुल से ग्रीस, ये एक रूट बन रहा है। दूसरा है इजिप्ट एयरलाइंस, उसका जो फ्लाइट है वो है मुंबई दिल्ली से इजिप्ट एयर और ग्रीस, वन स्टॉप फ्लाइट है, दोनों रूट में एक एक स्टॉप लगता है इस्तानबुल और इजिप्ट, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी रिटर्न टिकट्स जो बनेगी वो है 70,000 INR, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम आते हैं इसके डॉक्यूमेंट पे, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, तो पासपोर्ट ऑब्वियसली पासपोर्ट, 6 मंथ्स वैलिडिटी, 4 से 5 ब्लैंक पेज, शेंगन वीज़ा रिक्वायर्ड है, ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि आपके पास शेंगन वीज़ा है तो ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, ठीक है। तो वीज़ा हो गया, शेंगन वीज़ा हो गया, पासपोर्ट हो गया, रिटर्न टिकट्स हो गए, होटल रिजर्वेशन हो गया, अगर आपका कोई जानने वाला है तो स्पॉन्सर लेटर मंगा लीजिए, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे तो PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, वीज़ा लगवाने के लिए आपके पास कम से कम 4 से 5 लाख रुपये अकाउंट में होना चाहिए, सेविंग अकाउंट में, वन शॉट में आप अकाउंट में ना डालें, आपकी सेविंग रहनी चाहिए, लिटिल बिट थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए तो अच्छा है, आपका चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ITR और फॉर्म 16 मैंडेटरी है, क्योंकि आपकी इनकम सोर्स आपको बतानी पड़ेगी कि आप क्या करते हो, फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग हो, ये भी मैंडेटरी है। फिर आपका हो गया बैंक स्टेटमेंट, आप निकालोगे तो बैंक मैनेजर के सिग्नेचर और इसका स्टैंप लगवा लेना बैंक का, ठीक है, ये भी मैंडेटरी है, ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेट काफ़ी स्टेटमेंट्स इजीली बना सकते हैं बैंक स्टेटमेंट, इसलिए वो बैंक का सिग्नेचर और स्टैंप, बैंक मैनेजर के सिग्नेचर और स्टैंप आप लगवा लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो और कोविड की सर्टिफिकेट रखवा लीजिए, ट्रेवल इंश्योरेंस 30,000 यूरो का करवा लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब भी लगेगा और डिफरेंट और कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वही लगेंगे, और जेन्यून रखे, फेक ना रखे, रिटर्न टिकट भी मैंडेटरी है, ठीक है। प्रॉपर आपका ट्रैवल प्लान्स बनाइए, तो यही है, और कुछ भी क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अभी के लिए इतने, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिन तेलकर ब्लॉग, हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।